शरद पवार को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। शरद पवार ही रहेंगे एनसीपी के अध्यक्ष। कोर कमेटी की बैठक में इस्तीफा नामंजूर। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा दिन आया है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से शरद पवार ने पहले इस्तीफे का ऐलान किया था। नए अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए कोर कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन उन्हें इस बात का शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कमेटी की मीटिंग में शरद का इस्तीफा नामंजूर कर दिया जाएगा। साथ ही ये प्रस्ताव पास किया जाएगा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ही रहेंगे। कमेटी ने कहा कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लेकर अध्यक्ष बने रहें, पार्टी का दोबारा से नेतृत्व करें। पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनंती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनंती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिन्होंने आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कारोबार संभालना चाहिए। आप देश के एक माने हुए कद्दावर नेता हैं, सब आपको चाहते हैं, सब आपको मानते हैं, आपका एक स्टैचर अलग है, आपका एक रिस्पेक्ट अलग है और आपने आज सक्रिय राजनीति में रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पवार ने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन हम सर्वसम्मति से इस्तीफे को खारिज करते हैं। हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि हम उनसे पार्टी अध्यक्ष के रूप में बने रहने का अनुरोध करते हैं। सभी नेता अब शरद पवार को मनाने जाएंगे। पार्टी नेता मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए फैसले लेना कठिन होगा। पार्टी नेता पवार से कह सकते हैं कि आप पार्टी अध्यक्ष पर बने रहें और जो बदलाव करें वो करें। आपको बता दें कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी पर फैसला लेने के लिए पार्टी की एक कमेटी भी गठित की थी। इस कमेटी में अजीत पवार, सुप्रिया सुले, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल शामिल हैं। शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा था कि एनसीपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का फैसला पार्टी के भविष्य और नया नेतृत्व तैयार करने के लिए है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के लगातार अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किए जाने के बीच ये बयान दिया था। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।